Welcome to our YouTube channel Chalk and Duster. In today's video, we discuss Snell's theorem on groups. Let G be a group and A, B belonging to G. Then the equations Ax equal to B and Y equal to B have unique solution. Okay, A, B जो है वो belongs to group है, X जो है वो variable है और ये जो है Ax equal to B ये क्या है, equation है. अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय ए इनवर्स. ठीक है, प्री मल्टीप्लाई करेंगे. सो ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. ओके, सो हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लिया. अभी हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ऐसे ब्रैकेट्स आते हैं तब हम एसोसिएटिव यूज करते हैं. सो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, व्हाट वी नो ए इनवर्स इंटू ए इज व्हाट, आइडेंटिटी. सो ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज वी ऑलरेडी नो ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी. बट नेक्स्ट स्टेप में ए इंटू एक्स क्या होता है, एक्स होता है. सो एक्स का वैल्यू आएगा ए इनवर्स इंटू बी. सो हमें एक्स का वैल्यू मिल गया, क्या है, ए इनवर्स इंटू बी. सो नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे हेंस एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी is a solution, is a solution of Ax equal to B. Okay? तो ये क्या हो गया, solution हो गया. अभी हम uniqueness प्रूव करेंगे, उसको solution exist करता है ये हमने प्रूव कर दिया, अभी uniqueness प्रूव करेंगे. So let us start. Suppose C and D are solution of Ax equal to B. Uniqueness का मतलब क्या है, कि उसका एक ही solution होगा. Suppose कर रहे हैं हम उसके दो solution से. Okay? सो सी और डी इसके सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, ए सी इक्वल टू डी, सॉरी ए सी इक्वल टू बी एंड ए डी इक्वल टू ऑल्सो बी. सो दिस नंबर वन, दिस नंबर टू. अभी उन दोनों इक्वेशंस में जो राइट साइड है वो क्या है, बी है. ठीक है, सो देयर फोर ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू डी आ जाएगा. ओके, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड ए इनवर्स से. सो ए इनवर्स ए सी, ए इनवर्स ए डी. अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बताया, जब ऐसे ब्रैकेट्स आते हैं तो मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करना होता है. सो यहाँ पर क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इंटू डी. ओके, नाउ वी नो दैट ए इनवर्स इंटू ए इज वॉट, आइडेंटिटी. सो आइडेंटिटी इंटू सी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू डी. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्टेप any element into identity is that element. So E into C equal to C, E into D equal to D. तो यहाँ पर आपको रीजन लिखना नहीं भूलना है, क्या यूज किया हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो हमने लास्ट में ये प्रूव कर दिया कि C equal to D. जो हमने दो solutions बोले थे C और D, सपोज solutions है, तो यहाँ पर हमने प्रूव किया वो दोनों अलग अलग नहीं बल्कि सेम है. ठीक है, सो हेंस वी प्रूव Ax equal to B has a unique solution. On similar lines, we can easily prove that Ya equal to B has unique solution. ठीक है, सेम तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि इसको भी यूनिक सोल्यूशन है. यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करना है A इनवर्स से. ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई करना है A इनवर्स से, फिर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करना है, फिर यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी आएगा, देन यहाँ पर वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ए इनवर्स. फिर आपको सिमिलर लाइंस में यूनिकनेस भी प्रूव करना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस थ्योरम प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.